नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अचानक से सियासी पारा उस समय चढ़ गया जब मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार डॉक्टर गोविंद सिंह अचानक से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंच गए। यह मुलाकात नरोत्तम मिश्रा के 4 इमली स्थित बंगले पे हुई है। काफी देर तक दोनों नेता करीब इस बंद कमरे में उन्होंने बातचीत की है। और क्यों सियासी पारा चढ़ गया, उसके पीछे की बड़ी वजह है। दरअसल डॉक्टर गोविंद सिंह ऐसे समय पर नरोत्तम मिश्रा से मिले हैं जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है। सीसी की बैठक हो चुकी है, 18 नामों पे मोहर लग चुकी है। उनमें से एक सीट मुरैना लोकसभा सीट भी है जहां से माना जा रहा है कि डॉक्टर गोविंद सिंह को कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या डॉक्टर गोविंद सिंह कोई ऐसा कदम भी उठा सकते हैं जिसपे वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा में आ जाए? हालांकि उन्होंने इस मुलाकात को पूरी तरीके से एक शिष्ट मुलाकात बताया है। नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात के बाद जब डॉक्टर गोविंद सिंह निकले तो उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए इसे एक औपचारिक मुलाकात बताया। आप भी सुनिए डॉक्टर गोविंद सिंह क्या कुछ कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात के बाद। मुलाकात किया हमारी तो मुलाकात, हम पड़ोसी है, बरसों के मित्र है, छात्र जीवन से साथ है। वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ आते हैं, चाय पानी हो जाती है, पुराने चर्चा हो जाती हैं। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि क्योंकि लगातार ये लगातार भी कांग्रेस के लोगों की ज्वाइनिंग करा रहे हैं, कहीं आप भी तो नहीं बीजेपी ज्वाइन करने वाले? हम बीजेपी में ज्वाइन करने वाले नहीं हैं, दोस्ती के नाते आए हैं। और अगर कोई बात होती तो हम तो पहले ओपन करते हैं, आप लोगों को ओपन कर देंगे कोई बात होगी। वैसे कोई बात नहीं है, मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा। तो आपने डॉक्टर गोविंद सिंह को सुन लिया, लेकिन अब आपको पीछे की कहानी हम बताते हैं। दरअसल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से आजकल अगर कोई कांग्रेस का नेता मिलता है तो इस बात की अटकलें लगाई जाने लगती है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में जा रहा है। और ये अटकलें इसलिए लगती है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा पूर्व गृह मंत्री तो हैं ही, लेकिन अब उन्हें जो जिम्मेदारी भाजपा में मिली है, दरअसल वो जिम्मेदारी अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को भाजपा में लाने की जिम्मेदारी है। नरोत्तम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने न्यू ज्वाइनिंग कमेटी का संयोजक बना रखा है। बीते कुछ समय से नरोत्तम मिश्रा लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं को भाजपा में लाने का काम कर चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या कांग्रेस के नेताओं की है। सूत्रों के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा के न्यू ज्वाइनिंग कमेटी का संयोजक बनने के बाद 5,000 से ज्यादा छोटे बड़े नेताओं ने अब तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है अकेले भोपाल में। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा को ये जो जिम्मेदारी मिली है और जिस तेजी से नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में शामिल करा रहे हैं, अगर कोई कांग्रेस का नेता उनसे मिलता है तो जाहिर सी बात है उसके कांग्रेस पार्टी छोड़ने की ही अटकलें लगती है। डॉक्टर गोविंद सिंह को लेकर के भी यही अटकलें लग रही है नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात के बाद। हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह इसका खंडन ही कर रहे हैं, वो इसे औपचारिक मुलाकात बता रहे हैं।